नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बात करना चाहता हूँ देश में मणिपुर की चर्चा हो रही है पता नहीं क्या क्या हो रहा है नया इंडिया बन रहा है लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की चर्चा निश्चित रूप से करना चाहूँगा एक ऐसी खबर के बारे में आपका ध्यान में आकृष्ट कराना चाहूँगा जो थोड़ा सा मीडिया में उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए वैसे भी इस तरह की खबरों के लिए जो परसेप्शन बनाती हैं जो सही इमेज पहुंचाने का प्रयास करती हैं इस तरह की खबरों को अक्सर दबाने का प्रयास किया जाता है या मीडिया उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाता है देखिए जम्मू कश्मीर में जब से तीन हटी है उसके बाद से बहुत सारी चीजें चल रही हैं विरोधी दल जितने भी हैं विपक्षी दल हैं सभी का यह कहना है कि हमें यह बताइए साहब के तीन हटाने से हुआ क्या सरकार तो दावा करती है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है लोग पैसा लगा रहे हैं बिजनेस बढ़ रहा है और शॉपिंग मॉल्स खोलने की तैयारी हो रही है सिनेमा सिनेमा हॉल खुलने शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का दावा सरकार करती है शांति हो रही है सरकार का तो ये भी दावा है कि जब से तीन हटाई गई है कोई बड़ी आतंकी घटना पूरे देश में ही नहीं हुई है जम्मू कश्मीर तो थे छोड़ दीजिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर को जो लेकर चलती रहती हैं और एक बड़ा मुद्दा अक्सर ये उठता है कि वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए थे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था एटीज़ के और नाइन्टीज़ के दौर में उस पर भी लोग बात करना नहीं चाहते हैं उस पर किसी ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आप इस पर सुनवाई कीजिए जो जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का वहाँ पर लेकिन अदालत ने कह दिया कि ये बेकार की बात है इस पर अब बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जिन पर किया जाना चाहिए चर्चा को दूसरे एक सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है दोस्तों वो चर्चा ये भी है कि वहां चुनाव कब होंगे चर्चा तो ये है कि चुनाव शायद लोकसभा चुनाव के साथ होंगे मेरा तो यही मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ होंगे और अप्रैल मई जून का जो ये महीना होता है वैसे भी नॉर्मल डेज होते हैं बर्फबारी इतनी होती नहीं है और मौसम सामान्य रहता है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने ये प्लान कर लिया है कि वहाँ के जो विधानसभा चुनाव हैं वो कराए जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ अगले साल अब मैं आता हूं उस खबर पर जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं पर बड़े जुल्म हुए जम्मू कश्मीर में वहां से बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज भी आपको बताने जा रहा हूं जो मुसलमानों से जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में शिया और सुन्नी सभी तरह के मुसलमान रहते हैं आप सब लोग जानते और शिया मुसलमानों को वहाँ किस तरीके से दबाया जा रहा था इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जो मुहर्रम का जलूस रूटीन वे में निकलता था अपने पूर्व निर्धारित रूट से वो पिछले चौंतीस साल से नहीं निकल रहा था और इस साल ये पहली बार हुआ है अब मुहर्रम का मुहर्रम है कल तो मुहर्रम के मौके पर पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो मुहर्रम का जाना माना जुलूस है वो अपने निर्धारित रूट से गुजरा है देखिए उस खबर के बारे में मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा हालांकि कुछ अखबारों ने उस खबर को हाईलाइट किया है लेकिन फिर भी उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया है देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 33 साल बाद 33 थ्री ईयर्स के बाद श्रीनगर शहर में गुरु बाजार से डल गेट एक इलाका है एक रूट है वहाँ तक मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी और वीरवार यानी गुरुवार बृहस्पति की सुबह बड़ी संख्या में जो अकीदत मंद हैं वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए और 33 इयर्स के बाद शिया समुदाय ने 8वें मुहर्रम गुरुवार के अजादारी का जुलूस सशर्त निकाला इससे पहले शहर में बुधवार को 7वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था अधिकारियों ने अधिकारियों ने व्यस्त लाल चौक से गुजरने वाले मार्ग पर जुलूस के लिए सुबह छह बजे से आठ बजे तक समय तय किया था और इसके चलते शोक मनाने वाले अकीदतमंद मन। सुबह पांच बजे से ही गुरु बाजार में एकत्र होना शुरू हो गए थे नब्बे के दशक में कश्मीर में आतंकवाद फैलने के बाद से यहाँ जुलूस नहीं निकल रहा था कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक हैं विजय कुमार उन्होंने बताया कि जुलूस के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया की गई थी और पिछले कुछ वर्षों से जो शिया समुदाय है यहाँ का वो ये मांग कर रहा था कि उन्हें इस जुलूस को निकालने की परमिशन दी जाए और अब उन्हें ये परमिशन दी गई और ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिस पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन से प्रशासन को अन्य मुद्दों पर भी इसी तरह के निर्णय लेने में मदद मिलेगी ये एक ट्रेंड सेट होगा कि कश्मीर में माहौल बन रहा है शांति लौट रही है और मैं आपको बता दूं कि जो शिया आजादारी के जुलूस हैं इन पर 1989 से प्रतिबंध है इन 1989 यानी कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार दिल्ली में बनी थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने थे उनकी बेटी रुबैया का अपहरण हुआ था उसके बदले में आतंकवादी छोड़े गए थे और आप फिर जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री कश्मीर ने किस तरीके से लगभग तीन दशक तक आतंकवाद देखा है 1989 में ये बताया जाता है कि इसी तरह का एक जुलूस जो था उसकी आड़ में कुछ आतंकवादी यहाँ घुसे थे इसमें एच ए जे वाई यानी के सबसे नामी आतंकी कमांडर हमीद शेख अशफाक मजीद, जावेद मीर और यासिन मलिक शामिल थे यासिन मलिक जो आजकल जेल में है जुलूस में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी और उसके बाद राज्यपाल जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे यहाँ पर जगमोहन साहब जगमोहन ने बड़े काम कराए थे यहाँ पर और जगमोहन में को आज भी याद किया जाता है बीजेपी नेता हुआ करते थे जगमोहन साहब और उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद लगातार फलता फूलता रहा है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर कभी भी अपने रियल हालात में नहीं लौट पाया है बहुत दिलचस्प खबर है ये मेरे हिसाब से देखिए केवल ऐसा नहीं था कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था उससे हिंदुओं को ही सफर करना पड़ रहा था सभी कौम उससे सफर हो रही थी लेकिन मुस्लिमों का भी जो एक वर्ग था जिन्हें ये लगता था कि साहब हमें ये अलग से मुल्क बन जाएगा हमारा तो हमें उसका फ़ायदा होगा इस तरह की जो सोच के लोग थे वो निश्चित रूप से आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहे थे तो ये सब चीज़ें हैं मैं कुछ तस्वीरें भी आपको इसकी दिखाना चाहूँगा इसके लिए मुझे थोड़ा सा डबल डिस्प्ले में जाना पड़ेगा जो ये जुलूस निकाला गया इस जुलूस में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की इसमें मौजूदगी रही ये जरा देखिएगा आप ये देखिए ये काफ़ी ये जो कल के जुलूस के दृश्य हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ डलगेट इलाके तक जो जुलूस निकाला जा रहा है और इसमें जो मुहर्रम का जो ये शोक मनाया जाता है जो उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं झंडे लेकर शामिल हो रहे हैं और जितने भी शोकवार हैं वो मातम कर रहे हैं और ये जो जुलूस आप निकलता हो देख रहे हैं देखिए सुरक्षा भी बड़ी थी यहाँ पर और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी एक छत से इसका वीडियो भी बना रहा है कि कोई गतिविधि ना हो इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी थे वो जगह जगह पर प्याऊ लगाकर उन्हें पानी पिलाते हुए भी नजर आए ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है मैं आपको बता दूँ देखिए जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों को जोड़ लेना अपने आप से वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़कर चलना अपने साथ लेकर चलना उनके इमोशंस के साथ उनसे जुड़ जाना उनके बच्चों से जुड़ जाना ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और पुलिस ने और हमारी सेनाओं ने इसी से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की है तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर की इस खबर के बारे में तो सारे देश को अवगत कराया जाना चाहिए कि वहां पर केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान और खासतौर से शिया मुसलमान उन्होंने भी दशकों तक बहुत जुल्म झेला है ये हकीकत बात है वैसे जो उमर अब्दुल्ला हैं पूर्व मुख्यमंत्री उनका एक बयान देख रहा था मैं उन्होंने इसकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि रूटीन में ये फिर से निकलना शुरू हो गया है जुलूस लेकिन जब इनकी सरकार रही इन्होंने कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया ये प्रयास किसने किया ये प्रयास किया मोदी सरकार ने जब 2019 में यहाँ से 370 हटाई गई और उसके बाद सारी चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई हिंसा को खत्म किया गया पत्थरबाजी खत्म की गई युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं तो ये सब बदलाव आ रहा है और इस बदलाव का जो सही मायने में मुझे लगता है कि जो स्टैंप है वो तो लगेगा तभी जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और यहाँ की जनता अपनी सरकार चुनेगी जम्मू कश्मीर की गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी देखते रहिए आप हर्ष की बात लाइव नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें